आपके साथ। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा फसल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पाट खरीदने संबंधित एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। शहर के होटल श्री नायक स्थित सभागार में इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस संस्था के बारे में बताते हुए कहा कि भारत सरकार की यह एकमात्र संस्था है जो न्यूनतम मूल्य पर पाट खरीद करने के लिए नोडल एजेंसी है। प्रत्येक वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत सरकार पाट का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। इस पूरे मामले में जानकारी दी गई। पेश है प्रेस वार्ता के कुछ मुख्य अंश। ऐसा है कि क्रॉप ईयर 1 जुलाई से शुरू होता है अप टू 30th of June फॉलोइंग ईयर। हर साल जैसे जूट प्रोक्योरमेंट जूट सीजन में करे किया जाता है, और ये जूट प्रोक्योरमेंट का खासियत यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऑपरेशन जो भी है वो JCI का मैंडेट में है, और ये भी है कि प्राइस का स्टेबलाइजेशन, जैसे जूट का प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसको स्टेबलाइज करने का जिम्मेदारी जो है जूट कॉरपोरेशन के ऊपर है। इसके अलावा जूट सीज़न शुरू होने से पहले जो पाट खरीदारी से पहले जो जनरेट करना है, जूट फाइबर जो जनरेट करना है, वो जूट प्लांटेशन से होता है। वो जूट प्लांटेशन में जो हाई यील्डिंग और बेटर क्वालिटी के लिए जो स्कीम्स है, वो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन भी जूट कॉरपोरेशन नेशनल जूट बोर्ड के साथ में करते हैं। वो जनवरी से शुरू होता है। पहले सीड्स का प्रोक्योरमेंट, सर्टिफाइड सीड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन सब्सिडाइज रेट्स पे, और उसके बाद में जो जूट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है उसका डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, जिसके वजह से फार्मर्स को जो फ़ायदा होगा फॉर बेटर यील्ड एंड बेटर क्वालिटी। उसके बाद में जब जो फसल काटा जाता है उसको रेटिंग प्रोसेस में जूट एक्सट्रैक्शन के लिए जब आता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी इम्प्रूव करने के लिए एक जूट एक कंसोर्शियम पाउडर, इसको जो माइक्रोबियल कंसोर्शियम पाउडर जब बोला जाता है, इट इज़ टेक्निकली नोन एज क्राइजाव सोना पाउडर। ये सोना पाउडर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ताकि फार्मर्स रेटिंग का टाइम में ये यूज़ कर सके और क्वालिटी का बढ़ोतरी कर सके। इसका इस साल का जो खासियत है, हम लोग पर्सनली आके इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले बार कर रहे हैं और करना चाहते हैं कि ताकि फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन ठीक से और सही टाइम में पहुँचें।